टू अदर वीडियो। तो आज सुबह सुबह मैं आराम से हफ्ते हुए इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था और तभी इंस्टाग्राम पे मुझे एक बहुत खतरनाक सा अमेज़न का ऐड आया। साले ये अमेज़न वाले कंगाल करेंगे मेरे को एक दिन। और वो ऐड में गाइस मुझे एक ऐसा खतरनाक सा गेमिंग का चीज दिखा जो देख के मेरा दिमाग घूम गया। मुझे दिखा ये रेजर किशी V2 मोबाइल गेमिंग कंट्रोलर फॉर एंड्रॉइड, और ये लिटरली एक मोबाइल पे लगने वाला कंट्रोलर है। मैं इतना जोर से बात कर रहा हूँ कि मेरा वॉच मेरे को वार्निंग दे रहा है कि तू बहुत जोर से बात कर रहा है। बट वॉच गू खा ले, मैं जोर से बात करूंगा, गू खा ले। मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, ये बंदा चिल्ला चिल्ला के सबको गू खा ले क्यों बोलता है। Cause I like it, गू खा ले। खा लो गु, अश्लील है ये लोंडा, तुम मत खाओ, खिलाओ किसी को जाके। सो जहां तक इसको देख के मुझे लग रहा है ये बेसिकली तुम्हारे फोन में ऐसे लग जाएगा और उसके बाद तुम फोन में ऐसे मस्त वाले खतरनाक से गेम्स खेल सकते हो। और यहाँ पे लिखा भी है तुम स्टीम के गेम्स खेल सकते हो, तुम एक्सबॉक्स प्ले स्टेशन के गेम्स खेल सकते हो। व्हाट द हेल, फोन पे तुम PS के गेम खेल सकते हो। बट इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये 11,500 रुपए का है और इतना महंगा मैं फोन का कंट्रोलर बिल्कुल भी नहीं खरीद रहा हूँ। तो ये चीज देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं अमेज़न में ढूंढने निकल पड़ा ऐसी खतरनाक से अजीबोगरीब गेमिंग डिवाइसेस जिसको मैंने शायद से कभी आज तक यूज नहीं किया है और मुझे यूज करता है। सो मैं आज ऑर्डर करने वाला हूँ ये वाला सस्ता सा रेजर किशी, जो बहुत सस्ता है बट ये आधा है। वो रेजर किशी दोनों साइड में होता है, इसमें ये आधा है, इसमें सिर्फ एक साइड में ही है। और मैं ये फिंगर स्लीव्स भी ऑर्डर करूंगा, मैंने इसको बहुत बार देखा, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है। और हम लोग ट्राई करने वाले कुछ BGMI के ट्रिगर जिसको मैंने बहुत लोग को BGMI PUBG में यूज करते देखा है बट मैंने आज तक यूज नहीं किया इतने सालों में। और ये मोबाइल कूलर डिवाइस से ये भी मैंने बहुत देखा है, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, तो हम लोग इसको भी ऑर्डर करेंगे। ओह शिट गाइस, आई थिंक हमें सस्ता वाला रेजर किशी मिल गया है। इसका नाम है निंजा डॉग एस्ट्रा 1 गेमिंग कंट्रोलर और व्हाट द हेल, व्हाट, अबे ये तो सेम चीज है। ओ भाई इस पे हम लोग लिटरली फोन लगा सकते हैं, ये वो सेम चीज है रेजर किशी वाला और ये बस 200 रुपए का है। मैं इसको ऑर्डर कर रहा हूँ, ये वाला तो मेरे को चाहिए भाई, ये बस है। तो गाइस मैं सब चीज को ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, बट अगर तुम चाहते हो कि मैं ये एक्चुअल असली वाला रेजर किशी वाला ये डिवाइस को ऑर्डर करके ट्राई करूं तो आज के वीडियो में हम लोग एक गोल रखते हैं। आज के वीडियो का कमेंट गोल है 25,000 कमेंट्स का। अगर इस वीडियो में 25K कमेंट्स हो गए तो मैं ये 11,000 वाला रेजर किशी ऑर्डर करूंगा और मैं मम्मी को बता दूंगा कितने का है और होपफुली मार ना खाऊ। तो अपने जितने भी सारे एक्सेसरीज मंगाए थे अपने मोबाइल गेमिंग के लिए वो सबके सब आकर डिलीवर हो चुके हैं। और गाइस ये लिटरली बहुत सारे, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सारे, मतलब ये इतने सारे कि मेरे को इसको पूरा एक बेबलेट के स्टेडियम के अंदर लेके घूमना पड़ रहा है। एक गोटिया इधर, ये ले कैमरा पकड़। सो गाइस गोटिया समर वेकेशन में छुट्टी पे गया था, गोटिया वापस आ चुका। गोटिया कैसा गया समर वेकेशन तेरा, कैसा घुमा? अच्छा घुमा, वेरी गुड। कैसा लग रहा वापस आके? मुझे अपने घर जाना है। ये तू लिखा? गोटिया इज बेस्ट, खुद ही बेस्ट बना दिया अपने आपको। गोटिया इज गू, और इधर स्माइली बनाया तो मैं इधर लेंडी बना दूंगा। ओके गोटिया इज गू, एवरीबॉडी सब लोग नीचे कमेंट करेंगे गोटिया इज गू। सालो इतने चाटे मारूंगा। ऑल राइट गाइस, तो ये रहे अपने सबके सब एक्सेसरीज जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं। और इसके अंदर ये बेबलेट देखिए, मेरे को बेबलेट चलाने का मन कर रहा है। एक सेकंड भाई, बेबलेट चलाएंगे बेबलेट। बेबलेट का रस्सी किधर है गोटिया? अच्छा तो छुपा के रखा था लेके। 3, 2, 1 गो। गाइस मेरे मन में एक सवाल है, मैं इसको जंप कर सकता हूँ क्या? गोटिया इसको, थोड़ा ज्यादा जंप हो गया, सॉरी। ऑलराइट, तो हमारा आज का सबसे पहला एक्सेसरी है ये, और ये है फिंगर स्लीव्स। तो बेसिकली इस चीज को हम ऐसे निकाल के इसको हमें उंगली पे लगाना होता है। तो अगर मैं इसको उंगली पे ऐसे लगा लूं तो आई डोंट नो इससे ऐसा गेम खेलने में क्या मजा आता है। गोटिया तूने कभी यूज किया ये? कभी तुम यूज नहीं किया, आज अपन यूज करेंगे। तो ये मैंने मेरे उंगलियों पे लगा लिया है, इसको कहते हैं फिंगर स्लीव्स। और मेरे को नहीं पता इससे क्या होता है, डब्बे में लिखा रहेगा। तो इससे फायदा है कि ये स्वेट रेजिस्टेंट है, इसमें तुम प्ले ऑन एंड ऑन कर सकते हो। ये वो गाना है क्या, लाइफ गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वो बजा सकते हो इसको?
हाँ? Oh, nice. So, right, guys, चल के इसको ट्राई करते BGMI के अंदर. But एक सेकंड, मैं BGMI फोर फिंगर से खेलता हूँ. फोर फिंगर, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा प्रो गेमर हूँ. तो मेरे पास दो है, तो हम दोनों मिला के चार गुलियों पे लगा लेंगे और हम BGMI के अंदर फोर फिंगर खेल सकते हैं. ऑल राइट गाइस, तो हम लोग आ चुके BGMI के अंदर और हम लोग खेलने वाले BGMI इस फिंगर स्लीव्स के साथ. मुझे पता नहीं इससे मैं कैसे, अबे क्या क्लिक हो गया. ओ बाय द वे गाइस, क्या तुम लोगों को मालूम है कि अपना जो ये वाला चैनल है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बस लिटरली इतना सा करीब है. जिसका मतलब ये है कि ये जो डायमंड प्ले बटन है वो लिटरली मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पर उड़ रहा है. तुम्हें क्या करना है, नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है जो आजकल सफेद काला पीला नीला हो चुका है, उसको जाके जोर से मारना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये जो प्ले बटन है फट से मेरे हाथ में गिर जाएगा. नाइस. और गाइस, अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करो. आज के वीडियो का लाइक वो लगते हैं 50,000 लाइक्स का. ऑलराइट, तो अबे आर्केड मोड क्यों ये रहा क्विक मैच, साला पूरा मेनू बदल दिया है, पबजी का मेनू ही चेंज कर दिया. क्या मेनू था, क्या बना दिया. ऑलराइट गाइस, तो हम लोग एक पबजी के आर्केड मोड के अंदर आ चुके हैं और देखते हैं कि आज इस फिंगर स्लीव से हम कैसे खेलने वाले. बस एक मस्त सा गन मिल जाए फिर गए सब लोग. हाँ गन, ओ गन के नाम पे गू मिला, बट ठीक है. इधर कौन सा गन है, ओ यस मिला 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 ऑग मिला. अब तो गए, अब तो सबको मारूंगा. यार मुझे ऑनेस्टली नहीं पता लोग को इससे फायदा कैसे होता है, मेरे को तो इससे तकलीफ हो रहा है. ये कुछ ज्यादा ही स्मूथ है, मतलब ये देखो लिटरली मेरा उंगली ऐसे कहीं भी चले जा रहा है स्क्रीन में. मतलब इसके बिना ना मुझे लगता है कि कंट्रोल है, ऐसा उंगली से लगता है कंट्रोल रहता है, बट इससे कंट्रोल नहीं लग रहा है. ओके यार साउंड आ रहा है, मैं जा रहा हूँ लड़ने, मेरे को लड़के ट्राई करना है ये काम कैसे करता है. कौन मार रहा है तो भाई, मैं बहुत लोग भागो छुपो. अरे तो लोग मार रहे, क्रिसमस बहुत माल है भाई. नहीं इससे मैं नहीं खेल सकता, मेरे को पता है लोग कैसे खेलते हैं, इससे कुछ ज्यादा स्मूथ है. मतलब मेरे को मेरे उंगलियों से खेलना ज्यादा पसंद है, तो ऐसा लगता है कि ग्रिप है कुछ तो मैं कर रहा हूँ अच्छे से, वैसे मजा नहीं आया. ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने अगले गेम कंट्रोलर्स की तरफ. तो अगला है अपने पास ट्रिगर वाले कंट्रोल्स. मुझे बताओ इसको ट्रिगर बोलते क्या बोलते, क्या बोलते ट्रिगर बोलते, देखो नहीं बता भागी बोल रहा है का ये रहा एक नंबर का. ऑलराइट, तो अपने पास लिटरली बहुत सारे ट्रिगर वाले कंट्रोल्स हैं. ये रहा एक जो हम लोग ऊपर लगा सकते हैं. सबसे पहले इसको निकाल के देखते हैं ये क्या है. ये ओके, ये कुछ ऐसा कंट्रोल है तो इसको हम फोन पे लगा सकते हैं और यहाँ पे हम अगर कंट्रोल्स लगाए तो हम ऐसे ऐसे करके कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये रहा एक. अगला हमारे पास है ये, आई थिंक मैंने सेम टाइप की कुछ ज्यादा ही चीजें मंगा ली है और ये भी सिमिलर है, ये भी कुछ वैसे ही है. आई गेस ये वाला बेटर क्वालिटी है, ये बेटर क्वालिटी लग रहा है. और सबसे आखिर में अपने पास है ये इतना बड़ा वाला कंट्रोलर जिसके ऊपर लिखा हुआ है पबजी मोबाइल कंट्रोलर. मतलब इसको तुम किसी और गेम के लिए नहीं यूज कर सकते, सिर्फ पबजी मोबाइल के लिए यूज कर सकते हो. और अगर इसको अंदर से बाहर निकाले तो ये कुछ भाई, ये लिटरली एक PS का रिमोट की तरह है. मतलब इसको तुम लेकर ऐसे ऐसे, ओह ओ नाइस, मतलब इन सब में तुम एक एक कंट्रोल लगा सकते हो और इसमें लिटरली तुम चार कंट्रोल लगा सकते हो यहाँ पे चारों के बटन से. मतलब इससे ये वाले कंट्रोल्स होते हैं, इससे ये कंट्रोल होता है. मतलब आई थिंक इससे शूट कर सकते हैं, इससे एम कर सकते हैं, इससे आई डोंट नो क्या करने का. आई थिंक इससे जंप कर सकते हैं, इससे क्राउच कर सकते हैं. आई थिंक ये वाला मस्त है यार, और ये बाहर भी निकलता है ऐसा. नाइस, ये सब चीजें बस्ते. आई थिंक सो पबजी मोबाइल या BGMI के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स वगैरह में तुम इनको यूज नहीं कर सकते हो जहां तक मुझे लगता है, बट ये चीज बहुत मस्त है, ये मेरे को सारे पसंद है. तो जल्दी चल के हम इनको ट्राई करने वाले. ऑलराइट गाइस, तो हम लोग ये सारे के सारे ट्रिगर कंट्रोलर्स को BGMI के अंदर ट्राई करने वाले और हम सब इनको ट्राई करने वाले एक मैच के अंदर. मतलब एक मैच के अंदर मेरे को चेंज करते रहना और सबके सब ट्राई करना है. अब पता है क्या है, ये ट्रिगर कंट्रोल जो है ना इनको तुम सिर्फ BGMI और COD और शायद से फ्री फायर में यूज कर सकते हो, इसको बाकी कोई गेम में यूज कर सकते हो. बट आगे हमारे पास जो चीजें हैं जो इस बट आगे हमारे पास जो चीजें हैं इस तरह कंट्रोलर, ऐसा वाला कंट्रोलर, ये कंट्रोलर से हम लिटरली फोन के अंदर माइनक्राफ्ट खेल सकते हैं. एंड आई थिंक सो इस वाले के साथ मैं PC वाले गेम्स और लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूं PS5 के गेम्स मेरे फोन पे खेल सकता हूं. शिट भाई सोच के ही मजा आ रहा है मेरे को यार. आई कांट वेट फॉर इट, बट राइट नाउ अपने को चल के सारे ट्रिगर्स ट्राई करने. ठीक है, तो सबसे पहले BGMI के अंदर अपने को क्या करना है, अपने को बटन्स को कस्टमाइज करना है. और ये जो बटन्स है आई थिंक अपन इधर ना एक नया लेआउट ही बना लेंगे. ये मेरा लेआउट 1 है, तो अपन क्या करेंगे, अपन लेआउट 2 यूज करेंगे. तो अपन जल्दी से इस ट्रिगर को लगा लेते हैं. ओके दोनों चल रहा है, सही है. नाइस, लेट्स गो. घोटा क्या तुमको पता है ये जो लव आइलैंड है, ओए बंदा, अरे लव आइलैंड में
भाई मारता नहीं होता है। अबे यार लव आइलैंड में मार, वो बंदा हैकर था, उल्टे वो हैकर था। मैं बोल रहा था क्या तक मालूम है, लव आइलैंड में एवरी डे और एवरीबडी प्यार का दिन होता है, पता तेरे को? तो वो जो मेरे को मारा ना वो प्यार का दिन था, समझ रहे हो? जोर से समझ रहे हो? हो गए अभी हम लोग वापस उतर रहे हैं। मेरे को नहीं उतरना इधर, डर लग रहा है। अरे बहुत लोग हैं इधर आसपास, ये क्या है झोपड़ी? ओके इधर आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक क्या सवाल है। तो आई थिंक गाइस इसी के साथ अभी समय आ चुका है कि हम लोग अपने, आई थिंक हमने इसको यूज ही नहीं किया ट्रिगर को ना, इसको यूज करते सही से। तो अगर मैं आई थिंक उधर बंदे ऊपर, अबे हाँ यार ये वाला बेटर है, ये वाला बहुत बेटर है, ये वाला ट्रिगर, ये ट्रिगर बहुत बेटर है एक्चुअल में, दूसरे वाले से ये ट्रिगर तो बेटर है। बट आई थिंक गाइस मेरे को ट्रिगर बदलना पड़ेगा क्योंकि ना ये मैच अभी खत्म होने वाला है, और अगर वो ट्रिगर नहीं बदलेंगे तो आई थिंक सो ये पूरा मैच खत्म हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट ट्रिगर। तो इसको निकाल देते हैं और अपना अगला ट्रिगर, भाई एक डायरेक्ट ऐसा लंबा ट्रिगर है। तो शिट आई थिंक मेरे को मूव करना पड़ेगा बटन, मेरे को बटन मूव करना पड़ेगा। ठीक है ओके ओके काम कर रहा है, काम कर रहा है। ये ट्रिगर लगाना थोड़ा सा इजी है, मतलब दोनों चीजें ना एक साथ ही लग जाएंगे, अपने को दो अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके भाई सर्कल आ रहा है, सर्कल आ रहा है, अपने को भागना है, भागना है, भागना है, जल्दी भागो। अरे भागो, ये कहाँ चढ़ के बैठा है बंदर? जल्दी वहां से हटो, तेरा माइक है उधर नीचे उधर। ओ शिट अंदर लोग मरे ले, इधर बहुत लफड़ा हुआ है गाइस, बहुत लोग मरे ले इधर। वो अपना भी कोई मर गया बाहर, कोई है बाहर जो है, डरता क्या है, मारना उसको जाके, तेरा दोस्त को पीट रहा है। कौन मारा? ओ ए मैं उसको बहुत मारा यार, कैसे नहीं मारा? वो हैकर भरा इस गेम में यार, मैं नहीं खेल रहा हूँ ये गेम, हैकर्स वाला गेम है ये। उठर है ये, मेरे को भी उठा ये, आ रहे आ रहे मारते आ रहे मारते आ रहे, खत्म। हैकर से ज्यादा इस गेम में नूबड़े भरे यार, बंदा मार दे आ रहा है, ये रिवाइव दे रहा बैठ गए। ऑलराइट गाइस एक मैच में तो नहीं हो पाया, बट आई थिंक हम लोग दूसरे मैच में इस दूसरे कंट्रोलर को ट्राई करने वाले। ऑलराइट गाइस तो अभी अपन ने ये वाले कंट्रोलर को लगा दिया है और ये लिटरली अपने फोन को ऐसा लग रहा है कि एक PS5 का कंट्रोलर है, इतना बड़ा ये चीज। और इसका सबसे मजेदार चीज ये है कि ये देख रहे हो भाई, लग रहा है टाइपराइटर है ये कंट्रोलर, नहीं टाइपराइटर लग रहा है। तो अपन ने सब कुछ लगा लिया, इससे मैं फायर कर सकता हूँ, इससे मैं क्राउच करूंगा, इससे मैं जंप करूंगा और इससे मैं एम करूंगा। तो आई थिंक इसमें हम लोग बहुत सारी चीज लगा सकते हैं, मतलब देखो मैं इससे घूमूंगा ऐसे और मेरे को जंप करना हो तो मैं ये दबाऊंगा। ओके उतर के देखते अपन। ऑलराइट गाइस तो अभी हम लोग मैच के अंदर आ चुके हैं और अभी देखते हैं कि क्या इससे अपना गेम खेलना इंप्रूव होने वाला है। और ये क्या, कौन सा जगह ये? साला इधर लूट ही नहीं रहेगा इधर तो कुछ भी। अच्छा ये स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी है, मेरे को यहाँ लूटना है। ओए ये घर मेरा है, मैं लूटूंगा ये घर। तो मैं इससे भाग सकता हूँ और मैं इससे जंप कर सकता हूँ, वेरी नाइस। मतलब मेरे को जंप करने के लिए स्क्रीन में दबाने की, अबे यार ये लिटरली ये पबजी मोबाइल नहीं है यार, ये तो चीटिंग हो गया पूरा यार, ये तो गेम ही नहीं है। मतलब आधी चीजें तो मैं कंट्रोलर से कर सकता हूँ, आई डोंट नो यार, इसको शायद से बहुत सारे लोग ऐसी चीजें यूज करते रहेंगे। कौन है माइक चला के चटचट कर रहा है? ओके तो इससे अपन एम करेंगे, इससे गोली चलाएंगे, इससे जंप करेंगे, इससे क्राउच करेंगे। अबे नाइस भाई, ये तो एक्चुअली लग रहा है PS पे गेम खेल रहा हूँ, ये मेरे को लग ही नहीं रहा है कि पबजी मोबाइल खेल रहा हूँ मैं, PS लग रहा है मेरे को। ओके यार चलो लड़ने चलो। भाई मेरे को आदत नहीं है, मैं यहाँ पे नीचे जंप ढूंढ रहा था। ओके बंदे किधर है भाई, लोग किधर है? इधर लोग ही नहीं, लड़ना है मेरे को, मैं लड़ने आया हूँ। अरे ये बॉट मार रहा है कब से भाई, ये बॉट बंदे अगर हम शिमला था। अरे मरा मरा, कोई मरा, कोई मरा। ओ भाई क्या मस्त है ये कंट्रोल, मैं लूटूंगा पहले भाई इसको, मैं इसको उठा के लेके जा सकता हूँ। चलो चलो घूमने को, ये घूमने जाएंगे। मैं इसको ऐसा उठा के कहां तक लेके जा सकता हूँ? क्या मैं इस बंदे को उठा के पूरा पबजी घुमा सकता हूँ? चल आजा, तेरे को उठा के पबजी घुमाऊंगा मैं। अरे फेंक दिया, फेंक दिया। अच्छा छोटी भाई आजा, ऐसा लग रहा है मैं एक कौन है चुटु चुटु कर रहा है। ओ भाई किसके माइक से गंदी वाली आवाज आ रही है? भाई बंद कर लो माइक, गंदी गंदी आवाज आ रही है माइक से। अब मेरे को बंदे ढूंढने, मेरे को लड़ना है, मेरे को लोग ढूंढना है। अबे बंदे नहीं गए यहाँ पे कितना अजीब लग रहा है ये देख, गोटा देख कितना अजीब लग रहा है, हिलता ऐसा ऐसा टाइप टप 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 टाइप कर रहा है कुछ तो। अच्छा इसको प्रेस करके ऐसे होल्ड करना पड़ता है। ओके एक चीज नोटिस कर रहा है, देखे देख इधर देख, अगर इसको टैप करेगा ये काम नहीं करता, इसको टैप करके ऐसा प्रेस करना पड़ता, दिख रहा है प्रेस हो रहा है ऐसा, ये जब प्रेस हो रहा है तब जाके ये जंप करता है। ओके अब मैं स्कूल के पास आ गया हूँ, यहाँ पे तो बंदे होने चाहिए स्कूल के अंदर, प्लीज स्कूल के अंदर बंदे होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऊपर कहीं जाऊंगा और मरूंगा। ओ बंदा बैठा,
मार दिया मैं उसको। नाइस भाई प्रो गेम प्ले। तुम्हें क्या लगा तू जीत जाएगा प्रोफेसर बॉस के सामने? और बंदे ओ शिट ओ शिट ओ शिट आया आया। ये बंदा हैकर था। हाँ ये बंदा हैकर था। हाँ तेरे को नहीं पता गोटिया ये बंदा हैकर था। तू नहीं जानता पबजी के लोग को, ये लोग हैकिंग करते हैकर रहे हैकर लोग है। हैकर था वो। तू नहीं मानता? नहीं चाइल्ड। ऑल राइट गाइस, तो अपना अभी ट्रिगर स्ट्राइक करके हो चुका है। अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं हमारे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और खतरनाक वाले कंट्रोलर्स की तरफ। और ये जो कंट्रोलर्स है, ये कंट्रोलर्स लिटरली तुमको फील देगा एक असली पीएस वाले कंट्रोलर की तरह। मतलब इसमें यार ऐसे ये वाले बटन्स है, इसमें ये बटन्स है, मतलब मजा आने वाला खेलने को। एक्चुअली ये वाला आधा है, अपने पास एक दूसरा पूरा वाला भी है। ये पता नहीं ये आधा क्यों बना इन लोगों ने, ये आधा भी है पूरा भी है दोनों टाइप का है। बट उसके पहले मेरा जो फोन है वो गर्म हो गया है और मैंने ना फोन को ठंडा करने के लिए मुझे पता नहीं काम करता है कि नहीं करता है, बट जहां तक मुझे लगता है ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। सो एनीवे इसको खोलते हैं, इसको बाहर निकालते हैं और इसके अंदर ये क्या है? अबे इन्होंने ये भी दिया है, ये जो फिंगर स्लीव्स हमने ट्राई किया था इन्होंने इसके अंदर साथ में फ्री दिया है कूलर के साथ। अबे नाइस। तो कूलर के डब्बे में सबसे पहले अपने को एक कूलर मिलता है जो कि ये वाला कूलर है। आई थिंक इसमें हम लोग ऐसे करके फोन लगा सकते हैं और इसमें एक वायर दिया है। मुझे इसको चार्ज करना पड़ेगा क्या? ये चलता कैसे? बटन बटन कुछ है क्या? आई थिंक इसके अंदर कुछ बैटरी बैटरी नहीं है। मेरे को लग रहा है इसको शायद से हमें डायरेक्ट पावर कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए तार दिया है। मतलब ये तार से अपन डायरेक्टली पावर कनेक्ट कर सकते हैं। ओके बट साला इसमें पीछे तो ये वाला केबल है तो मैं इसको ऐसा फोन में लगा भी नहीं सकता हूँ। मतलब मुझे इसको कोई एक्चुअल ऐसा दीवार पे पावर सोर्स लगाना पड़ेगा। ओ एक सेकंड, इसको हम लोग पावर बैंक पे लगा सकते हैं। गोटा पावर बैंक है तेरे पास? है दे दे पावर बैंक। गोटिया ना यार तू कहाँ रखता है ये सब चीजें? सच्ची बता जहां मैं सोच रहा हूँ तू वही रखता है पावर बैंक सब कुछ। वो बेब्लेड का रस्सी निकाला पावर और क्या निकालेगा। ए गोटिया तेरे पास वो डायमंड प्ले बटन है? दे कुछ तरीका है भीख मांगने का? दे ना दे किसी को बताऊंगा नहीं दे उस मुड़ी में दे दे। अच्छा उसके लिए 10 मिलियन करना पड़ेगा। तो गाइस अपना डायमंड प्ले बटन गोटिया ने छुपा के रखा है। आई होप सो उसने वहां नहीं छुपाया हो। गोटिया प्लीज वहां मत छुपाना, कहीं और रखते वहां मत रखना। तो गाइस अगर तुमको चाहिए कि गोटिया मुझे डायमंड प्ले बटन दे तो जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को द रॉक नीड टू 10 मिलियन। जल्दी करो जल्दी करो। ऑलराइट तो अपने पास पावर बैंक आ चुका है। पावर बैंक पे अगर अपन तार लगा दे तो ये ओ चालू हो गया। देख लाइट चल रहा है इसके ऊपर, पंखा भी घूम रहा है अंदर। अबे नाइस। तो क्या ये ठंडा? ओके ठंडा कर रहा है ये एक्चुअली, पता है ये एक्चुअली ओ शिट ये बहुत ठंडा कर रहा है। अभी शिट ये बहुत ठंडा कर रहा है। गुंडा देख ठंडा देख कितना कर रहा है, ऐसा लग रहा है फ्रिज है पूरा। ओके तो अपन क्या करते हैं, अपन अपने फोन को इसके ऊपर ऐसा लगा के छोड़ देते हैं तो जब तक ये फोन को ठंडा करेगा अपन चल के अपना दूसरा कंट्रोलर ट्राई करते हैं। ऑलराइट तो अगला अपने पास है ये वाला कंट्रोलर जो कि आधा कंट्रोलर है और इसको एक्चुअली आईक्यू बनाता है। मुझे पता नहीं था ऐसी चीज आईक्यू बनाता है। तो आइए चल के इसको देखते हैं कि ये चीज कैसे। अबे यार अंदर से तो ये एक्चुअली फोन वाला अनबॉक्सिंग लग रहा है मेरे को। बट गाइस ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, आईक्यू ने मेरे को पैसा नहीं दिया है। तो आईक्यू अगर तुम लोग में से कोई देख रहे हो और स्पॉन्सर करना है तो फोन करो गोटिया। ए गोटिया तेरा नंबर दे, आईकू का फोन आएगा ना बोलने का 150 रुपया लिया बराबर 150 रुपया लेने का ठीक है। ऑल राइट तो अभी चल के इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर एक ऐसा, अरे भाई बड़ा डब्बा है, मैं छोटा डब्बा लगा था। तो ये एक डब्बा है, डब्बे के अंदर क्या है ये? ऐसा टिश्यू का बॉक्स लग रहा है पर टिश्यू नहीं है इसके अंदर। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर कुछ नहीं है बस कागज है। ओके उसको साइड में रखते हैं और निकालते हैं अपने मेन कंट्रोलर को और देखते हैं कि ये कंट्रोलर कैसा है। गोटिया फोन पकड़ ले। ऑल राइट तो इसको चल के जल्दी से खोलते हैं और इसको खोलने पे अंदर निकलेगा अपना खतरनाक वाला कंट्रोलर। और ये रहा वो कंट्रोलर। मतलब पता है क्या होता है, अपने पास जो दूसरा कंट्रोलर है ये सब पूरा कंट्रोलर है और ये आधा कंट्रोलर है, इसमें सिर्फ आधा है। इसका बाकी का साइड कौन चोरी कर गया है? बाकी का साइड आता है कि मतलब बस इतना ही है, ऐसा स्कैम तो नहीं किया आधा देखे? आई थिंक ऐसे ही आता था। अपने को इसको ऊपर खींचना लगाना है। ओ भाई ये देख गोटिया बटन देख इसके ऊपर L1 L2 R1। ओके R2 किधर है? R2 नहीं है। तो यहाँ पे दो बटन है C और Z और ये बटन है और ये वाला बटन है। आई डोंट नो इस पर हम लोग कौन सा गेम खेल सकते हैं क्योंकि अगर यूजुअली ऐसा कोई कंट्रोलर होता है वो दोनों साइड का फुल होता है और ये वाला आधा है। तो एनीवे चल के फोन को लगाते हैं और ये भाई फोन ठंडा हो गया अच्छा खासा। ओ आवाज सुन,
भाई भाई ये पंखा क्या मस्त चल रहा है, और एक्चुअली फोन ठंडा हो गया। अबे फोन ठंडा हो गया बर्फ की तरह। ओ भाई नाइस, ये मस्त चीज है। मेरे को अब समझ में आ रहा है लोग इन चीजों को यूज क्यों करते हैं। ऑलराइट, तो अपन अपना फोन ले लिया है। अभी अपन अपने फोन को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर इस पे ऐसा। अपन ने फोन को कनेक्ट कर दिया है, होपफुली ये फोन गिर ना जाए। तो अपने को इसको ऑन करना है, और आई थिंक इसको पेयरिंग कैसे करना है वो अपने को ये कागज देखना पड़ेगा इसके अंदर। कागज तो टॉयलेट पेपर रोल की तरह बाहर आ गया। ऑलराइट, तो इसमें इतना लंबा सा कागज है यहाँ से वहां तक। इसको कंट्रोल कैसे करने का, आई थिंक आपको पहले पेयर करना पड़ेगा इसको। गो टू सेटिंग्स ऑन योर फोन, चूज अल्ट्रा गेम मोड एंड एनेबल गेम। ओ शिट, कुटिया आई थिंक ये सिर्फ आईकू के फोन में काम करता है। कैसा बर्बाद है, मेरे पास आईकू का फोन भी नहीं है। शिट, एक सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट टू गेम पैड हाउ टू यूज एन आईकू फोन, बट क्या हम लोग आईकू के बिना दूसरे फोन में इसको यूज नहीं कर सकते? साला आई थिंक सो कि ये सिर्फ आईकू के फोन में चलता है। आईकू वालो, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, गोटिया को फोन करो और फोन भेजो। फोन मत करो, पहले फोन भेजो, ये चल नहीं रहा है। अरे यार, पर एक सेकंड, एक काम करते हैं, अपन फिर भी इसको ट्राई करते हैं एक बार, इसके ब्लूटूथ में अगर ट्राई करते हैं। तो फोन के ब्लूटूथ में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं अवेलेबल डिवाइसेस में कुछ आ रहा है क्या। कुछ ज्यादा ही डिवाइस आ रहे हैं अवेलेबल। ओ यस, आया 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 आईकू का आया। ओके, तो ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, कनेक्ट हो गया है। ऑलराइट गाइस, तो अपन ने कनेक्ट कर लिया है। अभी चल के अपन ट्राई करते हैं माइनक्राफ्ट उल्टा है, वो चालू हो रहा है। ए उल्टा मत हो। अबे ये क्या चालू हो गया? अरे यार, आई थिंक मेरे को उसको दूसरे साइड लगाना पड़ेगा। ओके, तो अपन ने माइनक्राफ्ट चालू तो कर लिया है, बट आई थिंक ये काम नहीं कर रहा। ओ नहीं, एक सेकंड, काम कर रहा है। अगर मैं एक नया वर्ल्ड क्रिएट करूं माइनक्राफ्ट के अंदर, तो क्या हम लोग इस चीज से माइनक्राफ्ट खेल सकते हैं? मतलब आई डोंट नो कि एक साइड के कंट्रोलर से क्या फायदा है। मेरे को लग रहा है कि ये शायद से एक्चुअली सिर्फ आईकू के फोन के लिए बना हुआ है, पर अपन ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अपन ट्राई कर रहे हैं। ऑलराइट, माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं, और यस एक्चुअली हम लोग माइनक्राफ्ट में इससे मूव कर सकते हैं। ओके, हम इसे जंप। ओके, मैं इससे जंप किससे करता है? ओके, आई थिंक हम लोग इससे सिर्फ मूव कर सकते हैं। हम मूव करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, आई थिंक सो। और अपने को बाकी चीजें ऐसे करना पड़ेगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो ये काम कर रहा है इसके साथ। मेरे को नहीं लगता, ये नहीं चल रहा है। ये इसको टैप करने बोल रहा है जंप करने के लिए, ये नहीं चल रहा है इसके साथ। मतलब सिर्फ ये मूवमेंट इतना चल रहा है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब इससे ये कुछ तो ऐसे हो रहा है वहां पे कहीं, तो किधर तो एक ब्लॉक तोड़ रहा है आड़ा टेढ़ा, बट उसके अलावा ये कुछ काम काम कर रहा है। तो मुझे पता नहीं, क्या मुझे कोई दूसरा गेम ट्राई करना चाहिए? एक सेकंड, अगर अपन कोई और गेम ट्राई करें। ओके, काम करते हैं, अपन ना एसफॉल्ट ट्राई करते हैं। एसफॉल्ट पे ना कंट्रोलर चलता है यूजली, देखते हैं क्या एसफॉल्ट में चलेगा ये चीज। तो अपन ने एसफॉल्ट लोड तो कर लिया। एज 69, जेंडर मेल। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग एसफॉल्ट के अंदर आ चुके हैं, और देखते हैं क्या एसफॉल्ट ये वाले आधे कंट्रोलर से काम करता है क्या। 3, 2, 1, भागो। ओ, इसे बूस्टर काम कर रहा है। नहीं चल रहा है। ओ अच्छा, ये गेम। अबे यार, ऐसे कौन कंट्रोल देता है गेम का? रुको, कंट्रोल बदलने दो गेम का पहले। नहीं, ये स्टिल काम नहीं कर रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये कंट्रोलर से हम लोग कोई भी गेम खेल सकते हैं। मेरे को लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आईकू के फोन्स के लिए, तो ये ऑफिशियली मेरे किसी काम का नहीं है। तो गाइस, इसी के साथ हम बढ़ने वाले हमारे आज के सबसे आखिरी गेमिंग कंट्रोलर की तरफ। और ये कंट्रोलर गाइस सबसे ज्यादा ऑसम है, क्योंकि ये एक ऐसा कंट्रोलर है जिसके साथ हम लोग मोबाइल पे गेम तो खेल सकते हैं, पर उसके साथ साथ हम लोग पीसी गेम्स खेल सकते हैं। और आई थिंक सो, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक सो हम लोग PS5 के गेम्स भी खेल सकते हैं। बहुत मजा आने वाला है। सो ऑलराइट गाइस, अभी टाइम आ चुका है इसको अनबॉक्स करने का। अपने को एक्चुअली खरीदने का रेजर वाला था, बट वो बहुत ज्यादा महंगा है, तो हमने ये खरीद लिया। तो ऑलराइट, इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके, सो ये निंजा डॉग का एस्ट्रा वन आई थिंक सो। तो इसको अगर अपन ऐसा, नहीं गोटा पकड़ा नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको अगर अपन ऐसे खोलेंगे, तो सबसे पहले अंदर एक वायर है, आई थिंक चार्ज करने के लिए दिया है। यहाँ पर कुछ किताबें दी हुई है जो अपने को ऑफ कोर्स नहीं पढ़ना है। तो साला स्कूल में बुक नहीं पढ़ा, इन लोग क्या करता है, यह बुक पढ़ेंगे हम लोग घंटा। ऑलराइट, तो ये रहा अपना मेन चीज जो है ये।
अबे यार ये मस्त लग रहा है। ऑल राइट, तो ये जो कंट्रोलर है ये एक फुल कंट्रोलर है। इसमें यहाँ पे दो ऐसे घुमाने वाले चीज है जो ऑफ कोर्स पीएसपीएस में होता है, एक्सबॉक्स में होता है। यहाँ पर बटन से बहुत सारे, और इसमें ये L1 L2 और यहाँ पर एक ये बटन से, मुझे पता नहीं ये पीछे वाले एक्स्ट्रा बटन क्या काम करता है, बहुत सारे बटन से। तो ओके, ये इसको हम लोग ऐसे खींच के खोल सकते हैं और बीच में फोन लगा सकते हैं। पता है इसका मतलब क्या? एक्चुअली निंटेंडो स्विच आता है जिसमें ऐसे दो साइड में कंट्रोलर्स होते हैं, बीच में एक स्क्रीन आता है, और ये सस्ते का निंटेंडो स्विच है। तुम लिटरली अपने फोन को इसके अंदर लगा दो और तुम्हारा सस्ते में निंटेंडो स्विच बन गया। उतना महंगा खरीदने का भी जरूरत नहीं है। अपन जल्दी चल के अपने फोन को इसके अंदर ऐसा लगा लेते हैं, और अभी हम लोग इसको ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली पेयरिंग का इंस्ट्रक्शन दिया है, तो उसके मदद से हम लोग इसको जल्दी से जल्दी अपने फोन के साथ पेयर कर लेंगे। और ये हो गया, कनेक्ट हो गया। तो अभी चल के हम लोग माइनक्राफ्ट को लॉन्च करने वाले और देखते हैं कि क्या माइनक्राफ्ट इसमें कंट्रोलर पे चलेगा। और आई थिंक सो ये चल रहा है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी अपने को सिलेक्ट प्लेट का ऑप्शन आ रहा है। ये रहा, ओ यस, ओ प्ले माय वर्ल्ड, क्या ये चलेगा? आई थिंक ये चल तो रहा है। ऑल राइट, ओ शिट, ओ शिट, हम लोग माइनक्राफ्ट कंट्रोलर पे खेल सकते हैं। व्हाट व्हाट, और इससे इन्वेंटरी खुलता है, हम इन्वेंटरी में चीजें क्राफ्ट भी कर सकते हैं। अबे ये क्या शक्ल है, मेरा ये शकल दिखा रहा था, बकरी ने मैं कर दिया। ओके, बैक टू द गेम। तो अपन यहाँ पर ए बकरी हटना, अपन इस गेम में बकरी को भगा सकते हैं। मैं स्लो क्यों चल रहा हूँ, क्या मैंने क्राउच किया है? अनक्राउच कैसे करते हैं? ओ ये रहा। ओके, तो हम लोग इसमें प्रॉपरली माइनक्राफ्ट खेल सकते हैं, और मैं यहाँ पर आके लकड़ी विकड़ी सब तोड़ सकता हूँ। आ जाओ लकड़ी तोड़ते, और क्या हम लोग लकड़ी तोड़ के इसमें कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं? ये लकड़ी तोड़ो, लकड़ी तोड़ो, लकड़ी तोड़ो। ओके, अपन ने बहुत सारे लकड़ियां तोड़ ली। अभी अपने को सबसे पहले यहाँ पे माइनक्राफ्ट में हम लोग एक क्राफ्टिंग टेबल लेवल कुछ बना लेंगे, तो ऐसा लगेगा कि माइनक्राफ्ट खेल है। मतलब माइनक्राफ्ट से उछल कूद तो नहीं करेंगे, कुछ कुछ बनाएंगे। आ जाओ, तो पहले अपने को लकड़ी के ऑफकोर्स बहुत सारे प्लैंक्स बनाने, और फिर हमें बनाना है एक क्राफ्टिंग टेबल, और फिर हमें चाहिए बहुत सारी डंडियां। और अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल को नीचे कैसे रखें, ऐसे। ओके यस, अपन ने रख लिया नीचे, और अभी अपने को इस क्राफ्टिंग टेबल में क्या दबाना है, ओके ऐसे। ओके, हम लोग क्राफ्टिंग टेबल में बनाने वाले हैं एक पिकैक्स और एक एक्स। ओके नाइस, मतलब अगर मुझे कोई माइनक्राफ्ट खेलने का मन कर रहा है बाहर जाके, मैं लिटरली इसमें खेल सकता हूँ। मतलब यार माइनक्राफ्ट का ना मुझे टच कंट्रोल उतना पसंद नहीं आता यार, मतलब कटर में गिर गया भागते भागते में। हाँ, मतलब माइनक्राफ्ट का मुझे टच कंट्रोल उतना पसंद नहीं है, बट अगर इसके साथ हो तो मैं लिटरली कहीं भी जाके माइनक्राफ्ट खेल सकता हूँ। अबे यार ये तो लिटरली मस्त चीज है बे, लिटरली ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं एक बार सोच रहा था कि मैं एक निंटेंडो स्विच खरीद लूं बाहर गेम खेलने के लिए, बट आई डोंट थिंक मैं जरूरत है उसे खरीदने की, मैं इस पे खेल सकता हूँ। ये तो कितना इजी खेलना है इसके ऊपर। बट गाइस अभी एक चीज बचा है, जहां तक मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, हम लोग इस कंट्रोलर के मदद से हमारे पीसी वाले गेम्स को हमारे फोन पे खेल सकते कहीं से भी। तो मेरा पीसी वहां पर चालू है, हमें यहाँ पे चालू करना है स्टीम लिंक, और स्टीम लिंक चालू करने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट प्लेइंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे स्टीम चालू हो रहा है, यहाँ पे स्टीम चालू हो रहा है, और ये स्टीम चालू हो गया यहाँ पर। तो अगर मैं इसको ओ भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, मतलब लिटरली मैं इसके मदद से यहाँ पे कोई भी मेरे पीसी के गेम्स खेल सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मेरा स्टीम लाइब्रेरी यहाँ पर आ चुका है, और मैंने पीसी में इंस्टॉल करके रखा है GTA 5, और अगर मैं इसको यहाँ पे वो करूँ तो आई थिंक सो हम लोग GTA 5 यहाँ पर खेल सकते हैं। क्या हम लोग फोन पे GTA 5 खेल सकते हैं, वो भी कंट्रोलर के साथ? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लिटरली एक चलते फिरते PSP गेम खेल रहा हूँ। मतलब पहले आता था ना PSP, लिटरली हम लोग PSP में खेल रहे हैं। ओके, अपडेटिंग Rockstar गेम्स लॉन्चर, अपडेटिंग, शिट बे, ओ शिट, ये एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। What? Oh, भाई GTA चालू हो गया, भाई GTA अपने फोन में चालू हो गया, आई मीन फोन में, हाँ फोन नहीं, सुन मैं भाई, गाइस मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड, मैं कुछ भी आ रहा था बोल रहा हूँ, सॉरी। GTA चालू हो रहा है, एंटरिंग स्टोरी मोड, और आई थिंक सो कि मेरा कोई भी सेव फाइल नहीं है, तो अपने को शायद से स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा अगर ये चालू हो रहा है तो। ओ नहीं, मेरा सेव फाइल है, वेट व्हाट द हेल, मैं यहाँ पर अभी क्या क्वालिटी आ रहा है, अबे क्या
5 खेल रहा हूँ। ओके, पर क्या आप लोग गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं? ओके, अपन जाके गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे। गाड़ी के अंदर बैठने का था, गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ने का है। अंदर बैठने का है। हाँ, बैठ गए गाड़ी के अंदर बैठ गए। ये रेडियो पहला रेडियो बंद करो। रेडियो सेटिंग। मैं लिटरली पूरे GTA को वेरी हाई पे खेल रहा हूँ फोन के ऊपर। ये सेटिंग्स देखो, क्या खतरनाक सेटिंग्स है। और राइट, देख हम लोग गाड़ी चला सकते हैं। ओ भाई, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग फोन में GTA ऐसे गाड़ी वाड़ी ड्राइव कर पाएंगे। ओके, थोड़ा इट वॉज ऑल प्लान गाइस। तुम्हें क्या लगा मैंने गाड़ी ठोक दिया? नहीं, एक घंटा, मैं प्रो ड्राइवर हूँ। ओ ये भी मतलब जानबूझ के नहीं किया मैंने। ओ, और मैं यहाँ से गोलियां चला सकता हूँ गाड़ी से। और मेरे पीछे 1-star पुलिस भी लग गया। यार क्या एपिक चीज है यार, मैं फोन पे GTA खेल रहा हूँ वो भी कंट्रोलर के साथ। भगाओ बताओ यार, ये एपिक चीज है यार। ओ ये रहा पुलिस वाले गाड़ी, यही है क्या? ओ नहीं, वो रहा। मारो गोली इसको। ओ जंप करेंगे। ओ भाई सिनेमैटिक जंप। जंप स्टंट फेल्ड। ओके एक सेकंड गाइस, GTA 5 को चलाने के बहुत सारे जुगाड़ है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जुगाड़ लगा के GTA 5 चलाए हैं। बट अभी ना अपने को एक ऐसा गेम ट्राई करने का है जो गेम सिर्फ और सिर्फ PC के लिए बना हुआ है। एंड आई डोंट थिंक सो किसी ने भी वो वाले गेम को आज तक मोबाइल पे खेलने का ट्राई किया है। तो अपन पहले GTA 5 को एग्जिट करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये गेम फोन में कुछ चलाने का कभी सोचेगा। एक बार तुम गलती से सोच सकते हो कि GTA 5 फोन में चल जाएगा, बट माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल है। अपन इसको चालू कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या ये चीज चलेगा या नहीं चलेगा। ओ भाई ये चीज भी चालू हो रहा है यहाँ पे, मतलब आई थिंक इस चीज की मदद से हम लोग कोई भी गेम जो मेरे PC में उसको मैं यहाँ पे खेल सकता हूँ। मतलब यार कभी कभी ना गेम खेलने के लिए ऐसे PC में जाके बैठता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है खेलने का, मैं सीधा आके ऐसे बेड पे लेट जाऊंगा और यहाँ बैठ के आराम से इसकी मदद से मैं गेम्स खेल सकता हूँ। अब यार ये बहुत अभी चीज है गाइस, ये लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। मतलब मैं एक बार सच्ची बता रहा हूँ, मैंने एक बार कंसीडर किया था कि वो निंटेंडो स्विच खरीद लूंगा बेड पे लेट के आराम से गेम खेलने के लिए, बट आई डोंट थिंक मेरे को उसकी जरूरत है, मैं डायरेक्टली इस पे खेल सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो फ्लाइट सिमुलेटर चालू हो गया है और अभी हम लोग इसके अंदर वर्ल्ड मैप पे जा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या हम लोग जूम कर सकते हैं क्या इसको? ओ यस, हम जूम कर सकते हैं। ओ यस, हम लोग मुंबई एयरपोर्ट से एक प्लेन टेक ऑफ करने वाले। ओ भाई फ्लाइट सिमुलेटर अपने फोन पे चल रहा है, बट आई डोंट नो ये कंट्रोल। ओ यस, ये देख गुटिया, ये स्टिक कंट्रोल हो रहा है इससे। ये देख स्टिक, ये स्टिक कंट्रोल हो रहा है मेरे इससे। अब आई डोंट नो इसका स्पीड कैसे बढ़ेगा। पहले अपने को पार्किंग ब्रेक निकालने का है। पार्किंग ब्रेक पहले हटा देंगे अपन। ओके, पार्किंग में बंद कर दिया। और स्पीड किससे बढ़ता है? ओके, ये तो रडर कंट्रोल हो गया। ओके, तो फ्लैप्स है। ओके, अबे यार सब चीजें कंट्रोल से, तो स्पीड किससे बढ़ता है? अबे एक एक करके कंट्रोल नहीं करना है मुझे। शिट, आई थिंक सो अपने को एक एक करके कंट्रोल करना पड़ेगा। तो तू जा आगे, तू भी जा आगे। तो अपना प्लेन, ओ यस अपना प्लेन आगे जा रहा है। व्हाट, मैं लिटरली प्लेन को यहाँ से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और मुझे स्पीड नहीं दिख रहा है, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है। ओके, आई थिंक 140 हो गया। V1 रोटेट, और अपन ने प्लेन को टेक ऑफ कर लिया है। अबे उड़ जा। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है। लैंडिंग गियर को ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक अपन टैप कर सकते इसको। ओके, मैं टैप नहीं कर सकता हूँ। ओके, लैंडिंग गियर ऊपर। ओके, अपन ने टेक ऑफ कर लिया मुंबई से। अबे यार ये क्या मस्त चीज है, ये कंट्रोलर क्या मस्त चीज है, हम लोग इस पे फ्लाइट सिमुलेटर खेल सकते हैं। मतलब मेरा ना मन करता है टाइम पास है प्लेन उड़ाने का, और भाई मैं अभी वो भी कर सकता हूँ मेरे फोन के ऊपर। यार ये बहुत खतरनाक, मतलब मैंने आज तक जितनी भी यार चीजें खरीदी है, आई थिंक ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक परचेस है, और वो भी इतने सस्ते में। मैं लिटरली रेजर खरीदने वाला था, बट अगर सस्ते मिल रहा है तो क्यों खरीदने का। नाइस, मैंने प्लेन को टेक ऑफ कर लिया, हम प्लेन को घुमा सकते हैं। ये रहा यहाँ पर, ये देखो बैंड्रा वर्ली सीलिंग, ये देखो यहाँ पे इधर 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 ट्रैफिक जाम नहीं होता है, बट इधर अंदर दिख रहा है, इधर अंदर इधर इधर बहुत ट्रैफिक जाम है, इधर बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है, उधर जाने का नहीं बिल्कुल भी। भाई मैंने वीडियो में अभी लिटरली सिर्फ GTA 5 और ये फ्लाइट सिमुलेटर खेला है, बट आई एम प्रिटी श्योर इसके साथ मैं बहुत सारे गेम्स खेलने वाला, मतलब जो भी सारे गेम्स मेरे को ट्राई करना है मैं सारे गेम्स। अभी एक सेकंड,
अगर इससे हम लोग पीसी वाले गेम्स खेल सकते हैं तो आई थिंक सो हम लोग इस कंट्रोलर के साथ PS5 के गेम्स भी खेल सकते हैं ना गोटिया। बट आई थिंक आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो PS5 के गेम्स अपन किसी दूसरे वीडियो में ट्राई करेंगे। तो गाइस अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ये कंट्रोलर से PS5 गेम्स ट्राई करूं तो मुझे कमेंट करके बताओ और अपन बिल्कुल ट्राई करेंगे। सो एनीवे गाइस ये थे हमारे सारे के सारे वियर्ड मोबाइल गेमिंग एक्सेसरीज और हमारा सस्ता वाला रेजर किशी जिसको भाई चला के बहुत मजा आ गया। मतलब लिटरली मैं मेरे PC के गेम्स बिस्तर पे लेट के आराम से खेल सकता हूं, मेरे को इस तरह के बैठने की भी जरूरत नहीं है और वो भी इतने सस्ते में। बट गाइस आज के वीडियो में एक ऐसा चैलेंज ले लिया है जिसपे शायद से मुझे बहुत पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं असली वाला रेजर किसी ऑर्डर करूं तो जल्दी से 25 के कमेंट्स कर दो और मैं मेरा जेब खाली कर दूंगा। सो अगर वीडियो देखो मजा आता है लाइक करो, चैनल पर अगर सब्सक्राइब करो और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।